हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं इट्स स्पोर्ट्स लैब। तो आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के बारे में। बता दें कि टीम इंडिया जो कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर शानदार परफॉर्मेंस की, चाहे वह T20 का सीरीज हो, चाहे वह वनडे का सीरीज हो या फिर टेस्ट का सीरीज हो। T20 सीरीज जो कि ड्रॉ रहा था, वहीं बता दी कि वनडे सीरीज टीम इंडिया ने जीती, तो वहीं टेस्ट सीरीज भी ड्रॉ रहा। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया वापस आ चुकी है भारत, और भारत में ही खेलने वाली है टीम इंडिया T20 सीरीज। यहाँ दोस्तों, यह T20 सीरीज जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा, और अफगानिस्तान की टीम पहली बार भारत दौरे पर T20 सीरीज खेलने वाली है। इसके लेकर कई बड़ी अपडेट है टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर, कप्तानी को लेकर, विराट कोहली को लेकर। तो इन बड़ी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना देरी किए हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला T20 सीरीज के बारे में, तो बता दें कि यह 3 T20 मैचों का सीरीज, जो कि पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला जो कि 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा T20 मुकाबला इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो कि 14 जनवरी को खेला जाएगा, और यह मुकाबला जो कि इंदौर में होने वाला है। वहीं तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कि 17 जनवरी को खेला जाएगा, और यह मुकाबला बेंगलुरु में होने वाला है। तो यह है टीम इंडिया का और अफगानिस्तान मुकाबले का शेड्यूल। तो अब बात करें यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार कब से शुरू होगा, तो दोस्तों बता दें कि टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो यह मुकाबला है वह भारतीय समय अनुसार रात के 7 बजे से शुरू होगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं स्पोर्ट 18, जियो सिनेमा, इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स। बता दें कि अब बिल्कुल बदल चुका है, जो भारतीय टीम के घरेलू मुकाबले हैं अब उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट स्पोर्ट 18 और जियो सिनेमा के पास है। पहले जहां डिज्नी प्लस हॉट स्टार और स्टार स्पोर्ट पर आता था, लेकिन अब यह स्पोर्ट 18 और जियो सिनेमा रिश्ते सिनेप्लिक्स पर आने वाला है। इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी आएगा। तो बात करें टीम इंडिया के बारे में, तो इंडिया और अफगानिस्तान के यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया से कई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें कि जो टीम इंडिया की तरफ से कई बड़े खिलाड़ी वापस आने वाले हैं, तो दोस्तों बता दें कई बड़े खिलाड़ी जो कि बाहर भी होने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले यह सीरीज क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण है, तो बता दें कि टीम इंडिया का यह संभवतः आखिरी T20 सीरीज है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि शुरू होने वाला है 1 जून से, ऐसे में टीम इंडिया यह T20 सीरीज बेहद ही अहम हो जाती है, क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज खेलेगी, इसके बाद IPL मुकाबला होगा, और फिर इसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया नजर आएगी। तो इस वजह से टीम इंडिया यह चाहेगी कि बिल्कुल टॉप क्वालिटी के क्रिकेट खेला जाए अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर जुड़ा हुआ है वह खबर जुड़ा हुआ है इंजरी को लेकर। यहाँ दोस्तों, 3 बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया का जो कि इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पहला नाम है, बेहद ही बड़ा नाम है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंजर्ड हुए थे और उस इंजरी से अभी तक नहीं उभर पाए, बाहर हो गए हैं। वहीं बात करें इनके साथ सूर्य कुमार यादव भी बाहर हो गए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज हुआ था उसमें इंजर्ड हुए, वह अभी T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी भी इंजरी की वजह से बाहर रहेंगे इंडिया और अफगानिस्तान का जो T20 सीरीज होने वाला है। तो वहीं अब बात करें वापसी जो खिलाड़ी करने वाले हैं इस सीरीज में, जो सबसे बड़ा नाम है रोहित शर्मा का है। बता दें कि रोहित शर्मा आखिरी बार टीम इंडिया से खेले थे, T20 मुकाबला हुआ था साल 2022, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 खेले थे। ऐसे में लगभग 1.5 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करेंगे T20 में। वहीं विराट कोहली भी वही मुकाबला खेले थे टीम इंडिया के लिए, आखिरी T20 मुकाबला, और विराट कोहली भी वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा युजवेंद्र चहल भी वापस आ सकते हैं टीम इंडिया में T20 के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अब बात करें टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया का जो अब नया कप्तान होगा, स्पेशली इंडिया अफगानिस्तान के बीच जो T20 सीरीज, उसके लिए वह रहने वाले हैं रोहित शर्मा। तो वहीं बता दें कि कई खिलाड़ी को रेस्ट भी दिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। बता दें कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए सबसे अनमोल खिलाड़ी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की तरह बेहतरीन तेज गेंदबाज शायद ही टीम इंडिया के पास हो। ऐसे में BCCI इनसे बेहद ही बचा कर चल रही है, और इसी वजह से इनको आराम भी दे रही है, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज है, फिर IPL खेलेंगे, और इसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे। बेहद ही ज्यादा मुकाबला खेला जाने वाला है आगे, इसी वजह से इंडिया अफगानिस्तान का जो T20 सीरीज है उसमें हमें जसप्रीत बुमराह भी नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं
इनके साथ मोहम्मद सिराज भी नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद सिराज भी आजकल टीम इंडिया के सबसे टॉप क्वालिटी के तेज गेंदबाज बन चुके हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज को भी बीसीसीआई रेस्ट दी हुई है। तो ऐसे में टीम इंडिया में जो वापसी कर सकते हैं और जो रेस्ट ले रहे हैं और जो इंजर्ड है, यह सभी का लिस्ट है। तो दोस्तों अब बात करें टीम इंडिया का क्या होगा स्क्वाड अफगानिस्तान के खिलाफ, तो बता दें कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला होगा उसमें टीम इंडिया टॉप क्वालिटी के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि आजकल अफगानिस्तान की टीम पहले वाला अफगानिस्तान की टीम नहीं रह गई है जो कि आसानी से हार मान जाती थी। बता दें कि अफगानिस्तान के पास भी कई बेहतरीन और टॉप क्वालिटी के खिलाड़ी है। स्पेशली स्पिनर का बात करते हैं तो वहां पर नजर आते हैं राशिद खान, मोहम्मद नबी जो कि अपने दम पर मुकाबले जिता सकते हैं, इसके अलावा मुजीबुर रहमान। यहाँ दोस्तों ये सभी टॉप क्वालिटी के स्पिनर है। वहीं तब तेज गेंदबाजी की बात करते हैं तो वहां नजर आते हैं नवीनुल हक जो कि फैजल हक फारूकी जो कि अपने दम पर मुकाबले जिता सकते हैं। बल्लेबाजों में भी रहमुल्ला गुरबाज नजर आने वाले हैं। इससे में पता चलता है कि अफगानिस्तान की टीम भी बेहतरीन है। इस वजह से टीम इंडिया का जो स्क्वाड होगा वो अभी टॉप क्वालिटी को होगा। तो बात करें सबसे पहले टीम इंडिया की तरफ से नजर आएंगे रोहित शर्मा बतौर कप्तान, इसके अलावा विराट कोहली भी नजर आएंगे, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन का भी वापसी होगा, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। या दोस्तों यह टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज रन इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के खिलाफ। इनमें इतना क्षमता है कि अकेले अपने दम पर मुकाबला जिता सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कितना एक्सपीरियंस लाएंगे टीम इंडिया में। इसके अलावा शुभमन गिल हो या फिर रिंकू सिंह जो कि बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद हम बात करें ऑलराउंडर्स में, वहां पर नजर आएंगे हमें शिवम दुबे। यहाँ दोस्तों शिवम दुबे को मौका मिलने वाला है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर रहेंगे और रविंद्र जडेजा। या दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा नजर रहेगा रविंद्र जडेजा पर रहेगा क्योंकि रविंद्र जडेजा को 3D प्लेयर बोला जाता है जो कि बल्लेबाजी गेंदबाजी इसके साथ शानदार फील्डिंग भी कर सकते हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा पर सभी का नजर आने वाला है और बेहद ही चांसेस है कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया का वाइस कैप्टन भी रहेंगे इस T20 सीरीज के लिए। तो अब बात करें गेंदबाजी का तो दोस्तों वहां पर नजर आएंगे रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, ओवैस खान और प्रसिद्ध कृष्णा, इसके अलावा युजेंद्र चहल। यहाँ दोस्तों यह बेहतरीन खिलाड़ी है सभी जो कि अपने दम पर मुकाबले जिता सकते हैं। टॉप क्वालिटी के तेज गेंदबाज है। भले ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका में किया था सभी को चौंका दिया था। ODI मुकाबले में भी कमाल का परफॉर्मेंस किए थे, इसके अलावा T20 श्रृंखला में भी कमाल का परफॉर्मेंस किए थे। अवेश खान भी शानदार परफॉर्मेंस किए थे। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के पास जो क्वालिटी गेंदबाज है अपने आप को साबित कर सकते हैं। ऐसे में यह टीम इंडिया बेहतरीन दिख रही T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी और टीम इंडिया सीरीज जीतेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। आपका क्या राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।